हेलो गाइस, दिस इज सरिता। वेलकम टू आवर चैनल बायो ब्लिस्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ओके, पहली बात तो ये है कि मैं अभी आपको डिटेल में ह्यूमन आई पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको जो भी डाउट रहेगा आप डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, और दूसरी बात, अगर आप नीट या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे इसके बाद, राइट। तो अगर इस वीडियो के बाद अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज मैंने इसमें एनसीईआरटी का हर एक लाइन टू लाइन क्लियर किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन आई। ओके, अब हम लोग अगर ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई हमारे स्कल में सॉकेट्स होता है, ये जो सॉकेट्स है उसमें ह्यूमन आई होता है। तो उस सॉकेट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो सॉकेट्स इन द स्कल इज नोन एज ऑर्बिट, जिसमें हमारे आईज प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ओके, अब ये जो आईज है ये तीन लेयर, हमारा ह्यूमन आई तीन लेयर से बना हुआ है, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। ओके, स्क्लेरा जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, कोरॉइड मिडल लेयर है और रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब हम लोग ये हर एक लेयर को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप जान लीजिए कि ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम लोग पोस्टेरियर एंड बोलते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टेरियर पार्ट कहते हैं। और जो आगे वाला पार्ट है इसको हम लोग, इसके आगे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एंटेरियर पोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेरियर पोर्शन ऑफ आई एंड पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ आई। ओके, तो सबसे बाहर का लेयर कौन सा है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा की अगर हम लोग बात करें तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डेंस। तो ये बनता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, ये हो गया स्क्लेरा। अच्छा, स्क्लेरा का जो एंटेरियर पोर्शन होता है, स्क्लेरा आगे कंटिन्यू होके कॉर्निया बनाता है। क्या बनाता है? कॉर्निया बनाता है। ओके, स्क्लेरा का कंटिन्यूड पोर्शन इन द एंटीरियर पार्ट इज नोन एज कॉर्निया, ठीक है। सेकेंड लेयर है कोरॉइड। कोरॉइड जो है वो ब्लूइश कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लूइश कलर का। अच्छा, ये ब्लूइश कलर का होता है और ये रिच इन ब्लड वेसल्स, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? रिच इन ब्लड वेसल्स, रिच इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। और कोरॉइड आगे कंटिन्यू होके क्या बनाता है? कोरॉइड सीलियरी बॉडी बनाता है। ओके, तो कंटिन्यूड पोर्शन ऑफ कोरॉइड इज नोन एज सीलियरी बॉडी, ठीक है। सीलियरी बॉडी करता क्या है? लेंस को पकड़ के रखता है। देखो मैं दिखाती हूँ, सीलियरी बॉडी कहाँ पे आया है? ये है सीलियरी बॉडी, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ओके, ये पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट, ये सीलियरी बॉडी है। ये क्या कर रहा है? लेंस को पकड़ के रख रहा है। ओके, ये हो गया सेकेंड लेयर कोरॉइड, ठीक है। थर्ड लेयर है रेटिना। रेटिना के बाद में हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें और भी लेयर्स है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा कि ह्यूमन आई जो है वो तीन लेयर्स में से बनता है। ओके, ह्यूमन आई में तीन लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर का लेयर होता है स्क्लेरा, बीच का लेयर होता है कोरॉइड और सबसे अंदर का लेयर होता है रेटिना, ठीक है। स्क्लेरा आगे कंटिन्यू करता है तो क्या बनाता है? कॉर्निया बनाता है। कोरॉइड आगे कंटिन्यू करता है तो क्या बनाता है? सीलियरी बॉडी बनाता है। ओके, हाँ, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो गया हमारा, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये हो गया सीलियरी बॉडी और ये भी हो गया सीलियरी बॉडी, ठीक है। इतना हो गया सीलियरी बॉडी। अब ये सीलियरी बॉडी आगे कंटिन्यू होता है और आइरिस बनाता है। ये वाला जो पार्ट है, मैं ब्लू मार्कर से मार्क करती हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये है क्या? आइरिस। ये क्या है? आइरिस। ये देखो, ये है आइरिस। अच्छा, आइरिस कैसा होता है? पहली बात मैं यहाँ पे लिखती हूँ आइरिस, ठीक है। आइरिस की अगर हम लोग बात करें तो आइरिस जो है वो ओपेक होता है। ओपेक मतलब क्या? कि आर पार ना दिखे, दूसरे साइड का चीज ना दिखे, और ट्रांसपेरेंट मतलब दूसरे साइड का चीज दिखे, ठीक है। तो ये ओपेक होता है एंड पिगमेंटेड होता है। ओपेक एंड पिगमेंटेड होता है। और अगर एक ऐसा एमसीक्यू बन सकता है कि द ओनली विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, क्या बोला है? विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई वो है आयरिस। हमारे आंखों में विजिबल, यहां तक दिख रहा है? विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई कौन सा है? वो आयरिस है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये दोनों आयरिस के बीच में एक छोटा सा जगह है,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल। ओके, ये प्यूपिल क्या है, प्यूपिल अपर्चर है विच इज कवर्ड बाय आयरिस, मतलब सराउंडेड बाय आयरिस, और ये लेंस के सामने है। ये प्यूपिल का डायमीटर कितना होगा, क्या बोला मैंने, इसका डायमीटर कितना होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सीलियरी मसल्स पे, आयरिस पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो आयरिस जितना खुलेगा उतना इसका डायमीटर बढ़ेगा, राइट। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि प्यूपिल का डायमीटर कितना होगा। इतना समझा आपको? तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, तीन लेयर्स पढ़ाया ह्यूमन आई का। दूसरा, आगे कंटिन्यू होके स्क्लेरा कंटिन्यू होके कॉर्निया बना रहा है, कोरोइड कंटिन्यू होके सीलियरी बॉडी बना रहा है, और सीलियरी बॉडी आगे एक्सटेंड हो रहा है, ये सीलियरी बॉडी के बाद वही लेयर एक्सटेंड हो रहा है और आयरिस बन रहा है। आयरिस क्या कर रहा है, प्यूपिल को सराउंड कर रहा है और प्यूपिल के डायमीटर को मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, डायमीटर इज मेंटेन बाय मसल फाइबर ऑफ आयरिस, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आयरिस, ठीक है। अब आता है लेंस। लेंस की अगर बात करें तो लेंस कैसा होता है, लेंस यहाँ पे लिखती हूँ मैं, लेंस जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि दूसरे साइड का पार्ट दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन एंड ट्रांसपेरेंट होता है, ओके। और ये उसके जगह पे, उसके पोजीशन पे कैसे है, सीलियरी बॉडी की वजह से, ठीक है। लिगामेंट्स जो है, ये लिगामेंट्स है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये लिगामेंट्स है। तो लिगामेंट्स इज अटैच्ड टू लेंस, सीलियरी बॉडी को अटैच है, जिससे ये लेंस जो है वो अपने पोजीशन पे फिक्स है, ओके। ये हो गया, लेंस कवर कर लिया हम लोग ने, प्यूपिल कवर कर लिया, कॉर्निया कवर कर लिया, सीलियरी बॉडी का काम क्या है, लेंस को पकड़ के रखना, ओके। ये हो गया एंटेरियर पोर्शन, ये होता है पोस्टेरियर पोर्शन, पीछे का होता है। मसल फाइबर्स ऑफ आयरिस, क्या बोला मैंने, प्यूपिल का जो डायमीटर है वो मसल फाइबर ऑफ आयरिस रेगुलेट करेगा, मींस प्यूपिल का डायमीटर कितना रहेगा, ये आयरिस के मसल्स पे डिपेंड करते हैं कि आयरिस कितना एक्सटेंड हो रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इतना हो गया। फिर हम लोग अभी जाएंगे थर्ड लेयर पे कि रेटिना क्या है, और स्क्लेरा किससे बना हुआ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, स्क्लेरा इज कंपोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और कोरोइड जो है वो ब्लूइश कलर का है और रिच इन ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा है इसमें, ओके। तो आप पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे का रेटिना वाला पोर्शन करवाती हूँ आपको, ठीक है। रेटिना एक थर्ड लेयर है, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, उसके अंदर फर्दर और तीन लेयर्स है, इसलिए हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इतना कर लीजिए, पहले इतना कॉपी करिए। ओके, सो थर्ड लेयर कौन सा है हमारा, रेटिना जो है वो हमारा थर्ड लेयर है। अब अगर हम लोग रेटिना की बात करें तो ये फर्दर तीन लेयर से बना हुआ है, कितने, तीन लेयर से बना हुआ है, थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स। अच्छा, ये कौन सा तीन लेयर है वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पहला है गैंग्लियन सेल्स, दूसरा है बाइपोलर सेल्स, एंड तीसरा है फोटो रिसेप्टर सेल्स। सबसे अंदर कौन सा होता है, गैंग्लियन सेल सबसे अंदर होता है, इनर लेयर है, मिडल में होता है बाइपोलर सेल्स और आउटर होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। तो रेटिना जो है ये थर्ड लेयर है, देखो ये स्क्लेरा फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर कोरोइड, और ये थर्ड लेयर रेटिना, ठीक है। तो ये थर्ड लेयर में फर्दर तीन लेयर्स होते हैं न्यूरल सेल्स के, पहला है गैंग्लियन सेल्स, दूसरा है बाइपोलर सेल्स, एंड तीसरा है फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप के ये होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, दो टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। रॉड सेल्स की अगर बात करें तो पहले बात तो ये दोनों भी सेल्स में है ना लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है, क्या होता है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है। अगर आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग खुद
अपने नोट्स में नीचे लिख लेना कि ये दोनों क्या होता है, ये दोनों में होता है लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। क्या होता है? लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जो लाइट से सेंसिटिव होगा, और उसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर, फोटो पिगमेंट। क्या कहते हैं इनको हम लोग? फोटो पिगमेंट, फोटो पिगमेंट्स। ओके, तो इतना समझा। क्या बताया मैंने? जो रेटिना है उसके अंदर तीन लेयर्स है, तीन लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स है, ठीक है। पहला जो सबसे अंदर है वो है गैंग्लियन सेल्स, जो बीच में वो है बाइपोलर सेल्स, और सबसे बाहर है फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में दो टाइप के सेल्स है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। ये दोनों के अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, मतलब ऐसे प्रोटीन जो लाइट से सेंसिटिव होंगे, तो ही तो वो काम करेंगे ना, लाइट दिखेगा हमको, और उनको हम बोलते हैं फोटो पिगमेंट्स, ठीक है। जो रॉड्स है ये अपने को फोटोपिक विजन देता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फोटोपिक विजन, और एक होता है स्कोटोपिक विजन। मैंने ना गलत बोला है, एक मिनट। ये जो कोन्स है ना, कोन्स मैं लिखूँ कहाँ पर, यहाँ पे लिखती हूँ। कोन्स जो है ये हमको फोटोपिक विजन देता है, फोटोपिक विजन देता है, ओके। और ये जो रॉड सेल्स है वो हमको स्कोटोपिक विजन देता है। अच्छा, फोटोपिक विजन और स्कोटोपिक विजन मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फोटोपिक विजन मतलब, फोटो मतलब लाइट, मतलब हमको कलर्ड विजन देगा ये, जो भी कलर्ड डे में हम लोग जो देखते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, कलर्ड विजन, या हम लोग बोल सकते हैं जो डे लाइट में हमको दिखता है, ओके। और स्कोटोपिक विजन मतलब ट्वीलाइट, ट्वीलाइट मतलब जो रात को दिखता है, ठीक है। तो ये होता है, ये इन दोनों में डिफरेंस है कि रॉड सेल्स जो हमको स्कोटोपिक विजन देता है, और कौन सेल्स हमको फोटोपिक विजन देता है। फोटोपिक विजन मतलब कलर्ड विजन देगा, जो हमको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं वो कौन सेल्स की वजह से दिखते हैं, ठीक है। डे लाइट में जो कलर्स दिखते हैं अलग अलग, रेड ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है। और जो रात में हमको लाइट कलर्स दिखते हैं एकदम, वो स्कोटोपिक विजन होता है। कौन देता है वो? रॉड सेल्स देता है, ट्वीलाइट विजन, ठीक है। इतना समझा। फिर अभी अगर हम बात करें रॉड्स की, तो रॉड्स जो होते हैं उनमें पर्पलिश रेड कलर का प्रोटीन होता है, पर्पलिश रेड कलर का प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रोडोप्सिन। क्या कहते हैं? रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। अगर मैं ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो आप लोग 1 जो स्पीड है वो कम करके देख सकते हो, और अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ओके। तो ये पहली बात मैंने क्या बताया कि रॉड्स जो है वो पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है उसमें, उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन को हम लोग विजुअल पर्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजुअल पर्पल, ओके। और ये विजुअल पर्पल जो है इसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए की डेरिवेटिव होती है, विटामिन ए की डेरिवेटिव होती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एमसीक्यूज में ऐसा पूछ सकते हैं, विच डेरिवेटिव, डेरिवेटिव रोडोप्सिन कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ विच विटामिन, विटामिन ए, ओके। कौन से विटामिन की डेरिवेटिव होती है रोडोप्सिन में? विटामिन ए की, ओके। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, तो आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं कोन्स के बारे में एक्स्ट्रा बताती हूँ। मैंने अभी तक क्या बताया? हम लोगों ने सिर्फ रेटिना जो लास्ट लेयर था उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। क्या है उसमें? तीन लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स हैं। सबसे बाहर है गैंग्लियन सेल्स, सबसे अंदर है इनर, मिडल में है बाइपोलर सेल्स, और सबसे बाहर है फोटो रिसेप्टर सेल्स, ओके। फोटो रिसेप्टर सेल्स में दो टाइप के सेल्स हैं हमारे पास, रॉड्स और कोन्स। दोनों में फर्क क्या है? पहली बात तो दोनों में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जो लाइट से सेंसिटिव है, और इनको हम क्या कहते हैं? फोटो पिगमेंट्स, ठीक है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है कि ये जो रॉड्स है वो हमको स्कोटोपिक विजन देता है, और जो कोन्स है वो हमको फोटोपिक विजन देता है। फोटोपिक विजन मतलब कलर्ड विजन, जो भी हमको डिफरेंट कलर्स दिखता है वो, जैसे कि डे लाइट में दिखता है, ठीक है। और स्कोटोपिक विजन मतलब कि ट्वीलाइट, जो हमको रात में दिखता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने रॉड के बारे में पढ़ा कि रॉड्स में पर्पलिश रेड कलर का प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग रोडोप्सिन बोलते हैं, या फिर विजुअल पर्पल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें विटामिन ए का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे का पढ़ाती हूँ। अभी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ क्या है, कोन्स के बारे में एक पॉइंट है, और ये फोबिया क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऑप्टिक नर्व,
और ये दो तीन चेंबर बस, ठीक है कॉपी कर लीजिए। चालू किया गया। ओके तो ये हो गया। ओके तो अगर हम लोग ह्यूमन आई में देखें ना तो कॉन्स तीन टाइप का होता है। ह्यूमन आई में जो हम लोगों ने अभी रॉड्स एंड कॉन्स दो टाइप के पढ़े थे ना, दो टाइप के सेल्स फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स और कॉन्स। तो कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन आई में तीन टाइप के कॉन्स होते हैं। अच्छा तीन टाइप के होते हैं मतलब तीन टाइप के कॉन्स होते हैं जो तीन अलग अलग कलर को रेस्पॉन्ड करते हैं। वो तीन अलग अलग कलर कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके ये तीन कलर होता है। रेड कलर को रेस्पॉन्ड कर सकते हैं हम लोग, ग्रीन कलर को रेस्पॉन्ड करते हैं और ब्लू कलर, और जो कलर को हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे वो कलर हमको दिखता है। इन लोगों के अभी हम लोग सोचेंगे कि येलो और बाकी के कलर्स हमको कैसे दिखते हैं। ये लोग ये तीन कलर के कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे रेड ग्रीन मिल गया या ग्रीन ब्लू मिल गया, तो अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन से हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। और अगर ये तीनों कलर इक्वली स्टिम्युलेट हो जाए, क्या हो जाए, तीनों भी इक्वली स्टिम्युलेट हो जाए तो हमको कौन सा कलर दिखेगा? वाइट कलर दिखेगा। ओके तो ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉन्स होते हैं ह्यूमन आई में तीन टाइप के ही कॉन्स होते हैं। एक कॉन्स रेड कलर को रेस्पॉन्ड करेगा, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू कलर का, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। और अगर तीनों इक्वली स्टिम्युलेट हो जाए तो वाइट कलर दिखेगा। तो ये था रेटिना के बारे में, ठीक है इतना ही था रेटिना। तो रेटिना क्लियर हो गया हमारा। फिर अगर हम बात करें तो ये ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा ब्लाइंड स्पॉट से हमको नाम से समझ रहे हैं, ब्लाइंड ब्लाइंड मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। और होता क्या है, यहाँ पे जो भी ऑप्टिक नर्व है वो अंदर आता है, सॉरी ऑप्टिक नर्व बाहर जाता है ह्यूमन आई के को छोड़ के, ऑप्टिक नर्व्स लीव्स एंड रेटिनल ब्लड वेसल अंदर एंटर करता है। रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर करता है। ओके मैंने क्या बोला वापस बताती हूँ। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, नाम से समझ रहे कि ब्लाइंड मतलब फोटो रिसेप्टर सेल्स पहली बात एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कि ऑप्टिक नर्व जो है वो यहाँ से बाहर जाएगा, ये जो ऑप्टिक नर्व है यहाँ से बाहर जा रहा है और रेटिनल ब्लड वेसल जो है वो यहाँ से एंटर करता है, ठीक है। तो ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट ऊपर क्या है, ये जो खड्डा जैसा दिख रहा है हमको, ये होता है फोविया। ये क्या होता है, इसको हम लोग येलोइश पिगमेंटेड रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलोइश पिगमेंटेड होता है, ठीक है। और इसमें एक सेंट्रल पिट होता है, मतलब ये देखो यहाँ पे एक सेंट्रल पिट दिख रहा है आपको, तो ये सेंट्रल पिट को हम लोग बोलते हैं फोविया, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसको मैक्यूला ल्यूटे बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैक्यूला ल्यूटे बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ये सेंट्रल पिट है, खड्डा है, उसको हम लोग फोविया बोलते हैं। और ये फोविया जो है वो डेंसली पैक्ड होता है विथ कॉन्स, मतलब ये जो कॉन सेल्स हम लोगों ने पढ़ा था वो इसमें डेंसली पैक्ड होता है, बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है। ओके डेंसली पैक्ड कॉन सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। मैंने क्या बताया वापस बताती हूँ कि पहले हम लोगों ने देखा ऑप्टिक ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मतलब हमको समझ रहे हैं यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है वो एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं और यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है वो बाहर जाता है और रेटिनल ब्लड वेसल जो है वो अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जस्ट इसके ऊपर क्या देखा, येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटे। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मैक्यूला ल्यूटे। लेकिन इसके अंदर एक सेंट्रल पिट होता है जिसको हम लोग फोविया कहते हैं, ठीक है। ये पूरा मैक्यूला ल्यूटे है, इसके अंदर जो सेंट्रल पिट है इसको हम लोग फोविया कह रहे हैं। क्या कहते हैं? फोविया। और ये फोविया जो है डेंसली पैक्ड होता है विथ कॉन्स, मतलब इसमें डेंसली पैक्ड कॉन्स, कॉन्स जो है उसको डेंसली पैक्ड किया है, मतलब अंदर पूरा कॉन्स से भरा हुआ है, वो कॉन सेल से भरा हुआ है वो। ओके तो ये हो गया फोविया। तो स्क्लेरा कवर हो गया, कोरोइड कवर हो गया, रेटिना, फोविया, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व बाहर जा रहा है, ठीक है, ये सब हो गया, प्यूपिल, सिलियरी मसल सब हो गया। अब आता है दो चेंबर पढ़ना है हमको। तो ये समझा कॉन्स तीन टाइप का होता है, अगर तीनों इक्वली स्टिमुलेट हो जाए तो वाइट कलर दिखाई देता है हमको।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो ह्यूमन आई है उसमें दो चेंबर होता है, एक होता है एक्वियस चेंबर और एक होता है विट्रस चेंबर। ठीक है, एक्वियस चेंबर कहाँ पे आता है, ये देखो एरो देखो यहाँ पे, मतलब ये जो लेयर है कॉर्निया, कॉर्निया सॉरी एक मिनट, ये जो कॉर्निया वाला लेयर है वो, और ये जो लेंस है इसके बीच में जो रीजन है वो होता है एक्वियस चेंबर। ठीक है, मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, जो एक्वियस चेंबर है, एक्वियस चेंबर ये किसके बीच में होता है, कॉर्निया एंड लेंस के बीच में होता है। ठीक है, और जो विट्रस चेंबर है ये देखो, ये होता है विट्रस चेंबर, ये बीच का पार्ट है, कहाँ से, लेंस से लेके रेटिना तक, ये कहाँ किसके बीच में होता है, विट्रस चेंबर, विटेरस चेंबर, विटेरस चेंबर जो है वो लेंस एंड रेटिना के बीच में होता है। ओके, लेंस एंड रेटिना के बीच में होता है। अब एक्वियस चेंबर इज फिल्ड विद एक्वियस ह्यूमर, फ्लूइड होता है उसमें, वाइट कलर का फ्लूइड फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर। ओके, और वैसे ही विटरस चेंबर इज फिल्ड विद विटेरस ह्यूमर, बस इतना ही है ह्यूमन है। ओके, तो क्या पढ़ा हम लोग ने, दो चेंबर देखा हम लोग ने, एक्वियस चेंबर ये जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो पोर्शन है उसको हम लोग ने विटरस चेंबर बोला है, और जो लेंस और रेटिना के बीच में जो चेंबर है उसको हम लोग ने विटरस चेंबर बोला है। ओके, एक्वियस चेंबर एंड विटरस चेंबर, एक्वियस चेंबर इज फिल्ड विद एक्वियस ह्यूमर एंड विटरस चेंबर इज फिल्ड विद विटरस ह्यूमर। ओके, इतना समझा। और ये जो है वो कॉर्निया एंड लेंस के बीच में होता है, विटरस चेंबर जो है वो लेंस एंड रेटिना के बीच में होता है। तो मेरे ख्याल से तो इतना ही है ह्यूमन आई, तो ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। ओके, और कुछ है नहीं, ये वाला पॉइंट याद रखना कि इसको हम लोग मैक्यूला ल्यूटे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटे, ये जो पार्ट है उसको हम लोग मैक्यूला ल्यूटे कहते हैं, और इसके बीच में जो सेंट्रल पिट है, इसके सेंट्रल पिट को, इसके सेंट्रल पिट जो होता है उसको हम फोविया कहते हैं। ठीक है, और हाँ एक और पार्ट है कि रिसोल्यूशन, एक मिनट, जो रिसोल्यूशन है, रिसोल्यूशन मतलब क्या, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन मतलब विजुअल एक्यूटी। अच्छा, विजुअल एक्यूटी मतलब क्या, आपकी बुक में ऐसा एनसीईआरटी में ऐसा वर्ड मेंशन किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक्यूटी मतलब शार्पनेस, शार्पनेस सबसे ज्यादा विजुअल एक्यूटी मतलब विजुअल शार्पनेस जो है यहाँ पे होता है, फोविया पे होता है। ओके, तो ऐसा पूछ सकते हैं, द रिजोल्यूशन या फिर विजुअल एक्यूटी इज ग्रेटेस्ट, क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ पे होता है, एट द पॉइंट ऑफ फोविया, एट द पॉइंट ऑफ फोविया। ओके, तो रिजोल्यूशन और विजुअल एक्यूटी इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट ऑफ फोविया, जो ये फोविया है यहाँ पे विजुअल शार्पनेस सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन आई, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेंशन करिए, और अगर आपको दूसरा कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मेंशन करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बी कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।